हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में आपके लिए इन क्लास फिफ्थ इंग्लिश पेपर का मॉडल टेस्ट पेपर 3 लेकर आई हूँ, जो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है। मैंने ऑलरेडी ही 2 मॉडल टेस्ट पेपर है यूट्यूब चैनल में अपने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। सो आपको इधर पता ही है आपका जो पेपर है वो किस में आना है, टर्म वाइज आना है। मीन्स आपका जो पेपर है टर्म्स में होने हैं और आपका जो एमसीक्यू वाइज आना है। 2 टर्म में आपके पेपर होने हैं। फर्स्ट टर्म जो मैं जो आपका पेपर होना वो एमसीक्यू बेस्ड पेपर होना है। सो इस वीडियो में हम क्लास फिफ्थ के 20 MCQ करेंगे। 20 MCQ आपको पता है 40 मार्क्स के आने हैं। तो अगर आप ये 3 वीडियो देख लोगे, जो 3 मैंने आपके लिए वीडियो अपलोड किया, मॉडल टेस्ट पेपर 1, 2 एंड 3, तो आप पेपर में अच्छे मार्क्स की आपकी बिल्कुल गारंटी है। क्योंकि इसमें आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन पता चल जाएंगे कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ताकि जब भी आप पेपर की प्रिपरेशन करो तो आप उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सेक्शन फर्स्ट में क्या है, हमने कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से रीड आउट करना है। अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ा तो आप क्वेश्चन आंसर नहीं फाइंड आउट करोगे। जो हम कॉम्प्रिहेंशन रीड आउट करते हैं, द प्रेजिडेंट ऑफ द पाकिस्तान वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। जो पाकिस्तान के जो प्रेजिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे, प्रसन्न हुए थे। ही रिमार्क्ड, मिल्खा सिंह यू डिडंट रन, यू एक्चुअली फ्लो। उन्होंने बोला कि मिल्खा सिंह तुम भागे नहीं हो, बल्कि तुम एक्चुअली उड़ रहे थे। ही गेव द टाइटल ऑफ फ्लाइंग सिख टू हिम, उन्होंने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का टाइटल दिया। दस द मिल्खा सिंह बिकम पॉपुलर एज अ फ्लाइंग सिख। ही वॉज रिवार्डेड एज पद्मश्री अवार्ड इन 1959, किसके लिए, फॉर हिज अचीवमेंट इन द स्पोर्ट। आफ्टर द रिटायरमेंट फ्रॉम द आर्मी, आर्मी से रिटायर होने के बाद वो क्या बन गए थे, डायरेक्टर। ही बिकम द डायरेक्टर ऑफ द स्पोर्ट्स इन द पंजाब। ही डोनेटेड, उनके जितने भी उन्होंने अपने लाइफ में जितने भी मेडल लिए थे, वो सारे मेडल अपने देश को लिए समर्पित कर दिए थे। हिज लाइफ इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर अस, उनकी लाइफ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, मोटिवेट करती है हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हु गेव द मिल्खा सिंह द टाइटल ऑफ फ्लाइंग सिख। हमने अभी पढ़ाया द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें फ्लाइंग सिख का टाइटल दिया था। तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। When was he awarded with the Padma Shri Award? उन्हें पद्म श्री अवार्ड कब बोला था, तो 1959, हमने यहाँ पढ़ा 1959 को उन्हें पद्म श्री अवार्ड मिला था। Now question number 7, why he was awarded in the पद्म श्री, पद्म श्री क्यों अवार्ड हुआ था, उन्हें क्यों दिया गया था, फॉर हिज अचीवमेंट इन द स्पोर्ट। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, फॉर हिज अचीवमेंट इन द स्पोर्ट। वट डिड ही डू फॉर द नेशन, उसने नेशन के लिए क्या किया, डोनेट ऑल हिज मेडल टू द नेशन, उन्हें नेशन के नाम अपने सारे मेडल दे दिए थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट ही बिकम आफ्टर द रिटायरमेंट फ्रॉम द आर्मी, कि रिटायरमेंट लेने के बाद, आर्मी से रिटायरमेंट लेने के बाद वो क्या बन गए थे, डायरेक्टर स्पोर्ट्स इन पंजाब। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो ए आएगा वो करेक्ट है। ठीक है, ये थे आपके 5 MCQ। ये 5 MCQ आपके टोटल 10 मार्क वर्थ है। तो ये आपने कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, नाउ सेकेंड कॉम्प्रिहेंशन है, डैट इज़ पिक्चर्स बेस्ड, पोस्टर बेस्ड, एडवर्टीजमेंट बेस्ड और लिस्ट बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक एडवर्टीजमेंट दी है, उस एडवर्टीजमेंट को बेस्ड को आपको क्वेश्चन दिए। ये पोस्टर भी हो सकता है, एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है और पिक्चर भी हो सकती है। अगर हम इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें क्या क्या लिखा, डू नॉट स्मोक, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, एवरी सिगरेट कट्स योर लाइफ शॉर्ट बाय द 5 मिनट्स, सेव योर प्रीशियस लाइफ, से नो टू द सिगरेट। हमें ये सिगरेट के बारे में बोला, अगर सिगरेट पीते हो तो हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा कीमती है। ठीक है, बिकॉज इट ब्रिंग रन र्यून एंड डेथ, जो सिगरेट पियेंगे तो हमारी डेथ भी, हमें हमें बर्बाद कर देगी और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। ये किसने इशू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दिल्ली। अब क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज द मोटो ऑफ एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का मोटो क्या है, तो से नो टू सिगरेट, क्योंकि यहाँ पे सिगरेट की बात की, ना सेव वाटर की बात की है, ना से नो टू प्लास्टिक की बात की है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, से नो टू द सिगरेट। टेकिंग सिगरेट बिंग, जब हम सिगरेट पीते हैं तो क्या होता है, एक्सीडेंट होता है, डेथ हो जाती है, पुरोनस गरीबी आ जाती है, डी लाइफ। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, डेथ। सिगरेट पीने से पर्सन की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है।
ठीक है, गिवन पोस्टर वाज इश्यूड बाय, जो पोस्टर है वो किसके द्वारा इशू किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्शन के द्वारा। तो ये किसके द्वारा हुआ था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ मेनी मिनट्स ऑफ द एज लाइफ आर रिड्यूस बाई टेकिंग सिगरेट। सिगरेट पीने से हमारे जिंदगी के कितने, हमारी लाइफ के कितने मिनट कम हो जाते हैं अगर हम एक सिगरेट पीते हैं? तो इसमें लिखा है 5 मिनट, आपको ऊपर है, तो हमारा सी ऑप्शन क्या होगा? 5 मिनट। गिवन पोस्टर इज बेस्ड ऑन, हमारा ये पोस्टर किसके लिए ऊपर बेस्ड है? लॉस्ट पोस्टर है कि किसी की गुमशुदा का है, वार्निंग दे रहा है हमें, गेन है हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है उसके रिगार्डिंग है, और ऑल ऑफ द अबव। देखो जाए तो ये पोस्टर हमें वार्निंग दे रहा है, किसकी वार्निंग दे रहा है कि अगर हम सिगरेट पियेंगे तो हमारी सेहत को कितने ज़्यादा उससे नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये थे आपके पोस्टर बेस्ड क्वेश्चन। अब आपके लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन आंसर है। लिटरेचर बेस्ड जो आपके क्वेश्चन है वो आपके किस, जो एमसीक्यू है वो आपके क्वेश्चन से ही बनाए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ बीरबल। बीरबल का ओरिजिनल नेम कहा था? तो उनका ओरिजिनल नेम क्या है? महेश दास। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हेन डिड मिल्खा सिंह रिप्रेजेंट इंडिया इन द ओलंपिक गेम। मिल्खा सिंह ने कब इंडिया को रिप्रेजेंट किया ओलंपिक गेम में? 1956 में जो ओलंपिक गेम हुई थी उस गेम में मिल्खा सिंह ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डे ही ड्रॉ विद द पीस ऑफ चारकोल। चारकोल के पीस से उसने क्या ड्रॉ किया था? ऑप्शन नंबर ए इज अ डार्क थिक लाइन, अ येलो लाइन, अ रेड लाइन, अ वाइट लाइन। उसने क्या किया था? अ डार्क थिक लाइन ड्रॉ की थी। क्वेश्चन नंबर 14 इज हु वांटेड टू स्प्रेड अवेयरनेस। को कौन, अवेयरनेस को कौन स्प्रेड करना चाहता था? ठीक है, बीरो पाला, ठीक है, बीरो करना चाहता था, पाला करना चाहता था, बोथ ऑफ देम करना चाहता था, नन ऑफ दिस, तो बीरो करना चाहता था। ठीक है, ये था 14 का आंसर। नाउ वोकैबुलरी क्वेश्चन है। वोकैबुलरी में आपको आपकी जो बैक एक्सरसाइज है उससे आपको क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिनिश। फिनिश का क्या मीनिंग होता है? कंप्लीट, हरी, रेडी या नन ऑफ दिस। तो फिनिश का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब क्या होता है? अनडिवाइडेड, डिवाइड करना, डिस्टेंस, ट्रू। तो पार्टीशन का मतलब डिवाइड करना होता है, बंटवारा करना होता है। टिक द मीनिंग ऑफ विटनेस। विटनेस का क्या मीनिंग होता है? टू फाइंड, टू ऑब्जर्व, टू रिक्वेस्ट, टू हियर। तो विटनेस मीन्स ऑब्जर्व करना। ठीक है, नाउ सेक्शन नंबर ई इज दैट इज ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, आर्टिकल, प्रपोजिशन, अपोजिट्स, प्लूरल, जेंडर या टेंस, इन सभी में से किसी से, किसी के ऊपर भी क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 का फर्स्ट पार्ट क्या है? विच इज द फॉलोइंग इज द नाउन। आपको नीचे में से कौन नाउन है? गार्बेज कूड़ा है नाउन, या फिर अमृतसर है, फनी है, डी इज वार्म। तो देखा जाए अमृतसर किसी क्या प्लेस का नाम है, तो अमृतसर क्या है? नाउन है। डैश इज द वॉइस टीचर। ठीक है, इसमें क्या है? डैश वाइफ इज अ टीचर। ठीक है, उसकी वाइफ टीचर है। यहाँ पे द वाइफ इज अ टीचर, हिज वाइफ इज अ टीचर, देयर वाइफ इज अ टीचर, देम। तो देखा जाए यहाँ पे ना द आएगा, ना देयर आएगा, ना देम आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? हिज, उसकी पत्नी क्या है? टीचर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज आई सेट डैश द फ्लोर। आई सेट हियर द फ्लोर, नहीं। आई सेट अंडर द फ्लोर, नहीं। आई सेट ऑन द फ्लोर, बिल्कुल सही है। नाउ व्हाट इज द पास्ट वर्ब ऑफ कैच। कैच की पास्ट वर्ब क्या होती है? कैच, कॉट, कैच्ड या कैचेस। तो कैच की पास्ट फॉर्म क्या होती है? कॉट, कैच, कॉट, कॉट, ये 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है। व्हाट इज द जेंडर ऑफ नेफ्यू। नेफ्यू का जेंडर क्या होता है? स्टेप फादर, बी इज एंट, सी इज मिसेज, डी इज नाइस। तो नेफ्यू का जो लिंग बदलो क्या होता है? नाइस होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है जो आपका इस वीडियो का। इन द नॉर्थ ऑफ आवर कंट्री आर डैश हिमालय। ठीक है, नॉर्थ ऑफ कंट्री में क्या है? ओन है, एन है,
एट है या फिर द है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा द हिमालय। विद दिस आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। ये आपका लास्ट मॉडल टेस्ट पेपर था, मॉडल टेस्ट 3। मैंने 3 मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। अगर आप इन्हें देख के अपनी तैयारी करोगे तो आप पेपर में गारंटी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।